अंकल को ये नहीं बताया कि पार्टी करने मत जाओ, दारू नहीं पीते? अंकल दारू पीने थोड़ी गए। अच्छा कहाँ गए? दवाई लेने। कान में क्या प्रॉब्लम है मम्मी पापा को बताओ? थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, जड़ से ही काट डालो। भाई मेरे पापा की सर्जरी में हम लोग जाते नहीं है, बुलाते नहीं है। मेरे लाइक ने एक दिन में मेरे बिना चूहा खा गया। दर्द पीगी सारा मेरा। कति जुल्म हो गया मम्मी तेरे, कति जुल्म हो रखा, क्या जुल्म हो रखा बताओ भाई। अंकल जी की पार्टी कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों भी परसों है, अंकल है, अंकल जी का ऑपरेशन कल भाई मेरे पापा की सर ऑपरेशन है सर। मम्मी कान का है ना। अंकल और... कह रहे हैं मैं तो दिन क्या करूँगा, पार्टी खत्म करके जाऊँ। ये कह रहे थे तो आपने पति के बारे में बोला तू कल तो 7 बजे तक एडमिट होना है इमरजेंसी में, तू आज ड्रिंक करने जा। मैं बोला अपने दोस्तों तो मिला हूँ, फिर पता है ऊपर चले आ जाऊँ। मतलब रात ऊपर जाने भी चाहिए। मतलब ये कल सुबह इनको 7 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होना है, इमरजेंसी मोड़ा है। कल तारीख है 13 आज 12 तारीख को पार्टी करके आएंगे, रात के 12 बजे घुसेंगे। कितने बजे घुसेंगे पापा? 11:30 मैं 12 ही मान ले। आएंगे सुबह तूने अंकल को ये नहीं बताया कि पार्टी करने मत जाओ, दारू नहीं पीते? अंकल दारू पीने थोड़ी गए। अच्छा कहाँ गए? दवाई लेने। और दवाई बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि सर्जरी से पहले एक दिन पहले भी कोई फास्टिंग चलती है? 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। अच्छा फिर तो पापा तो सुबह पानी भी नहीं पीना अलाउड है। सुबह 10 बजे तक पार्टी खत्म हो जाएगी ना अंकल जी की? तो मम्मी पापा तेरे काबू नहीं आ रहे? ये सही है, एंजॉय करने की मरंग। ये देख मम्मी ये बात तो है, अब तो बेचारे को कितना चुप। अरे तो राम राम करना चाहिए है इस उम्र में, तो राम राम करना चाहिए। जी राम राम वो करते हैं जो घर में बैठ के बिस्तर पकड़ लिया आराम करते हैं। हमारे अंकल जी बहुत काम करते हैं। अंकल तेरी तारीफ कर रहे हो। इन्होंने एक अपनी सेटिंग कर रही है, डेली इधर बैठे मम्मी मीटिंग करे, कभी रिकॉर्ड करूंगी। मेरा ना क्या मीटिंग करे, पूरे पार्लर की सारी खबर दे, हम वही मीटिंग कर रहे हैं, पार्लर की सारी चुगली चागली सारी बातें। इबिस ने नू बेरा या वीडियो चढ़ेगी अंकल देखेंगे तो अंकल की तारीफ कर दी ना, चालाक है या आड़े पार्लर में सो ही अंकल की हाथ के ऊपर। हेलो मम्मी, अच्छे गाइडेंस देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। अब ये कौन सी सलाह है? कल भी प्रॉब्लम होती है हम उनके आगे ले जाते हैं, उसका सॉल्व कर देते हैं। ये बात तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम पर ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज सॉल्व करने गए। कल हो ना हो चलो चलो चलते हैं। चलो गाड़ी कौन चलाएगा? निशा चलाएगा। गाड़ी तो तेरी है मम्मी। छोड़ दे तुझे बच्चा, तू मेरे साथ ही रह लेनी था। ना बेबे परी बता तेरे दीदी स्पष्ट बोलता है वो, देखो मेरे को दुनिया में किसी से खतरा नहीं, सिवाय निशा के। अरे लड़के की जिम्मेदारी है भी शादी कर लड़की की, उसके बाद निशा के साथ रह जाएंगे। तो अगर कोई ये कहे तेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा तो ये खा ले, चाहे कुछ भी हो भी खा लेते हो। भाई कमेंट में बताओ भाई मम्मी क्या खाए, वेजिटेरियन है पता चले, बताना पैरों का ठीक हो जाए। अब तो किसी की कुछ काटा पीटा कर, 1 महीने से ही ज्यादा होगा, 1-1.5 महीने। पापा कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे? वेंकटेश्वर में। सही बताओ जिंदगी तो जी रहा अगला। एक बात बताओ पापा के बारे में, बात बताओ, ड्यूटी पूरी कर रहा अगला? ऐसा तो नहीं है 65 साल का हो गया पूरी ड्यूटी कर रहा है। कितने इयर्स के हैं पापा? 62 इयर्स के हैं पापा, ठीक है, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं,
मोजे काट रहे हैं, परिवार संभाल रखा है और अपने आप का भी ध्यान रखते हैं। कान में क्या प्रॉब्लम है मम्मी पापा को बताओ? थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, जड़ से ही काट डालो। हाँ, से एक दिन गले में गांठ होगी या दो। हाँ, हाँ। जाकर हॉस्पिटल में कर, मैंने बोले मत कटवाओ गले के गांठ के दे, आवाज चली जा। पूछ ले न बोला कुछ नहीं जाता, पर कटवा का आएगी। और मैं गई ना, मेरे को भी बोले जा घर जा काम देख। तो बस रात ने सोई थी मैं, तो घर ही भेज दी थी बोला घर। और आवाज भी मैं कह रही थी कि मैं कल तो आपके साथ, मेरे साथ क्या करेगी, काम नहीं देखना है बताओ भाई। मेरे पापा की सर्जरी में हम लोग जाते नहीं है, बुलाते नहीं है। हमारा इनविटेशन ही नहीं आता, और अगर हम चले गए तो वही चप्पल खाते हुए आएंगे। तो गुस्सा हो जाते हैं कि भी तुम क्या करोगे यहाँ पे, कल एक बार तो जाऊंगी। फिर ने बोला रात ने सो ही आ जाइए, उड़ा काम देख। तुम आज हम थोड़ा लेट हुए, जा रहे हैं वॉकिंग पे, पापा चले गए हैं, पापा की कान की सर्जरी है, पर पापा हमें साथ लेके नहीं जाते। वो सोचते कि मैं क्या करूँगा बच्चों को साथ ले जाके, वो परेशान हो जाएंगे। मेरे पापा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं अपनी। 7 बजे, अच्छा 7 बजे तो वहाँ जाना था, ऑपरेशन तो 1-2 बजे होगा। हाँ जी आन लाए गरीब, शायद छोटा ना फिर या उड़ा बच्चा ले जाएगी। मैं अब मैं 4th मंजिल पाऊँ। ठीक, क्या बोली आ रहा, क्या बोली, बोल न। बोले ऐसे बोले कि भी तुम मेरे चीज वहाँ घूमने जाने के लिए मना कर दिया ना, तो मम्मी से बात मत करना, बिहान तू भी अपनी बुआ से बात मत करना। कितने दिन हो गए बात ना करते हुए तुम्हें से? 2-3 दिन हो गए ना निशा, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन, और किसने मना किया? बड़ी वाली ने, बड़ी वाली ने बोली बात नहीं करना इस चीज से, वहाँ जाने से मना कर दिया मेरे को। ऐसे कर मेरा ही बहिष्कार कर दिया गया है मेरे उससे, और घर के सब बच्चों को बोल दिया है कि मुझसे बात ना करे। खुद भी नहीं कर गया, तीसरा दिन हो गया। अरे देखिए अपने आप भूल लगी, अपने आप भूल लगी। कोई नहीं, स्कूल जिस दिन छोड़ गया उस दिन भूल लगी है ना। इससे तो पहले बहुत बार नंबर आ होगा, वो चीज थी वो इसमें ही ब्याह में तो कुछ ना मांगा, ये नखरे में मैं तो कुछ ना मांगा। ये यारा अब 2 साल पत्ते का डिप्लान लाया जाएगी, तेरे तो कई साल लगेंगे। सारा गंजक शायद इसको शिकार के गाड़ी दे देगा। हाँ गाड़ी दूर लगेगी। एक लो बन रहा है, अगर मम्मी पापा ने, मम्मी ने जल्दी गाड़ी दी थी छोटे बच्चों तक, तो मम्मी ने बच्चे 18 साल तो है। हाँ माँ ने जेल हो जाएगी। 18 की उम्र है, अरे नन्नू बनावा वो नन्नू। ठीक है अपनी मर्सिडीज को सुन लो तन्ने पड़ी चलो बहनो चलो ये फोटो खींच दे। आई है दर्द पीगी सारा मेरा खुश हो गया ना। और अच्छा दे कुछ कर रहा है, और के दुश्मन ने देख कर आज यो आशीर्वाद। हां आ जा, तू भी आ जा, अंडर में ला ले पड़े जा वाला। कंग्रेचुलेशन मिलेगी 5-4 साल बाद। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। अपना ध्यान रखना पापा, मेरे जन्म धाना हो रही है, तू भी आ जा जानू। मेरा भी तो रख दो। अरे ले तारा वही ले गया तो उन्हीं का। ठीक है, अपना ध्यान रखना पापा। ठीक है ठीक है ठीक है।